हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माय सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग एक लेसन स्टडी करेंगे जिसका नाम है मदर अर्थ, और यह पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। चलिए दोस्तों, समय नहीं गंवाएंगे, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में है क्या। देखिए दोस्तों, इस लेसन में है क्या, पोयम का नाम है मदर अर्थ, पृथ्वी हमारी जो है माँ है। तो इस पोयम में है क्या, पहले ये समझते हैं। द अर्थ इज माई मदर, सी इज गुड टू मी, सी गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई वेव नीड, फूड ऑन द टेबल, द क्लॉथ इज आई वेयर, द सन एंड द वाटर एंड द कूल फ्रेश एयर एंड द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, हर वीज आर जेंटल, हर लाइफ इज स्ट्रांग, लिविंग इन अ ट्यून लाइक यू ब्यूटिफुल सॉन्ग, द अर्थ इज माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू, द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, द अर्थ इज माई मदर, सी इज गुड टू मी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, द अर्थ इज माई मदर, द अर्थ इज माई मदर, पृथ्वी हमारी माँ है, सी इज गुड टू मी, वह मेरे प्रति अच्छी रहती है। अर्थात पृथ्वी हमारी माँ है और वह जो पृथ्वी है हमारे प्रति बहुत अच्छी रहती है। सी गिव्स मी एवरी थिंग दैट आई इवन नीड, और जो कुछ मुझे आवश्यकता होती है यह पृथ्वी हमें दे देती है। फूड ऑन द टेबल, जैसे भोजन की आवश्यकता होती है मुझे तो टेबल पे मुझे भोजन मिल जाता है। द क्लॉथ इज आई वियर, यह पृथ्वी यह धरती हमें कपड़ा पहनने के लिए देती है। द सन एंड द वाटर, यह पृथ्वी हमें सूरज और पानी, एंड द कूल फ्रेश एयर और ठंडे ठंडे हवाएं भी प्रदान करती है। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, यह हमारे लिए महान सर्वदाता है और आपके लिए भी महान सर्वदाता है। अर्थात इन चार लाइनों में क्या बताया गया है दोस्तों, कि धरती हमारी माँ है और यह हमारे प्रति बहुत ही अच्छी है। यह हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ों को यह धरती हमें दे देती है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो यह टेबल पर भोजन दे देती है। हमें कपड़े की आवश्यकता होती है जो हम पहनते हैं, यह धरती हमें प्रोवाइड करती है। सूरज और पानी और ठंडे ठंडे हवाएं, जो यह हमें सारी चीज़ें प्रदान करती है। और पृथ्वी जो है एक महान सर्वदाता होती है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अगले चार लाइनों में देखते हैं कि कवि जो है क्या बताए हैं। हर वीज आर जेंटल, हर वीज आर जेंटल, पृथ्वी की जो तौर तरीके हैं, हर वीज आर जेंटल, उसके तौर तरीके बिल्कुल विनम्र हैं, बिल्कुल शांत हैं। हर लाइफ इज स्ट्रांग, उसका जीवन जो है, धरती का जो जीवन है वो बहुत मजबूत है। लिविंग इन अ ट्यून लाइक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह ऐसी ट्यून में रहती है लाइक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, जैसे मानो कि एक सुनहरा गीत हो, एक मधुर गीत हो। द अर्थ इज माई मदर एंड द बेस्ट फ्रेंड टू, यह धरती हमारी माँ है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, यह धरती हमारे लिए और आपके लिए सबसे महान सर्वदाता है। द अर्थ इज माई मदर, सी इज गुड टू मी, यह धरती हमारी माँ है और यह हमें सब कुछ देती है, यह हमारे प्रति अच्छी रहती है। एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी के जो तरीके हैं वो बिल्कुल जेंटल हैं, बिल्कुल विनम्र हैं, उसका जो जीवन है बिल्कुल स्ट्रांग है, और उसके जीवन जीने का जो ट्यून है वो बहुत ही मधुर संगीत के समान है। और धरती जो है, द अर्थ इज माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू, यह धरती हमारी माँ है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है, और यह मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी सर्वदाता है। यह धरती हमारी माँ है और यह धरती हमें सब कुछ प्रदान करती है, हमारे प्रति अच्छी रहती है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि यह पूरा का पूरा पोयम आपको क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।